नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चॉकलेट गार्निशिंग सिखा रही हूँ। ये गार्निशिंग से आप केक और डेजर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। हम इस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। ये सारे गार्निशिंग्स को तैयार करने के लिए ना ही मैंने कोई स्पेशल टूल्स का उपयोग किया है, ये सामग्री हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो चलिए गार्निशिंग का वीडियो बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं जिसे हम चाय कोल्ड ड्रिंक के लिए सर्व करते हैं। मार्केट में बहुत प्रकार के महंगे गार्निशिंग के टूल्स मिलते हैं, पर आपको वो सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किचन में थोड़ा सा ही नज़र करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप केक को और डेजर्ट्स को गार्निशिंग कर पाएंगे। पहले मैं ग्लास को कट कर लेती हूँ और जो एज है उसको मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं जो ग्लास का नीचे का हिस्सा है उसे भी कट कर लेती हूँ। ये ग्लास कट होने के बाद में इस प्रकार से दिखेगा। मैंने एक कागज़ के ऊपर जो फ्लावर का पेटल होता है उसका शेप काट लिया है। अब हमने जो प्लास्टिक के ग्लास की जो स्ट्रिप बनाई थी उसको मैंने फोल्ड कर लिया है और जो पेपर का कटिंग है मैं उस पर रख देती हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो वर्टिकल डिज़ाइंस है वो ऐसे लंबी आनी चाहिए, आप इसे हॉरिजॉन्टली मत काटिएगा, वर्टिकल ही काटिएगा जिससे बहुत ही सुंदर फ्लावर तैयार होगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही इसका पीस कट कीजिए। मैंने इसे कट कर लिया है। हमारे फ्लावर के पेटल्स तैयार हैं। मैंने पहले से ही बहुत सारे पेटल्स कट करके रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले से ही ये बड़ी पंखुड़ियों के लिए शेप कट करके रखे हैं। आप बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे फ्लावर्स तैयार कर सकते हैं। मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बोल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है। पहले मैं 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी, अगर चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई तो मैं इसे और 30 सेकंड्स के लिए रखूंगी। हमें कभी भी चॉकलेट को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव नहीं करना है, ऐसे 30 सेकंड्स के इंटरवल पे ही करना है। मैंने चॉकलेट को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जो हमने शेप काटा था मैंने वो शेप ले लिया है और शेप के अंदर का हिस्सा है वहाँ पे मैं चॉकलेट लगा देती हूँ। हमें अच्छी क्वांटिटी में चॉकलेट को लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह से मैं सारी शेप तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे पेटल्स पे चॉकलेट लगा लिया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। मैंने पेटल्स को फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट का दूसरा कोट अप्लाई कर रही हूँ। हमें थोड़ी मोटी पंखुड़ियाँ बनानी है जिससे कि जब हम फ्लावर बनाएंगे तभी वो पंखुड़ियाँ टूटेगी नहीं। मैंने सारी पंखुड़ियों पे चॉकलेट लगा लिया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं और पंखुड़ियाँ बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब मैं इसे जो प्लास्टिक है उसमें से निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं और ये जो लाइंस हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे पंखुड़ियाँ अलग कर लेती हूँ। आप जब भी चॉकलेट के फ्लावर बनाएं तभी हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका चॉकलेट का जो पेटल्स है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे अनमोल्ड करते हुए वो टूट जाएगा। हमने सारे पेटल्स को अनमोल्ड कर लिया है। अब हम फ्लावर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्लावर को असेंबलिंग करने के लिए हमें इस प्रकार की डीप होती है जो डिश वो लेनी है। हमें 2 प्रकार की डिश लेनी है, एक काफ़ी डीप होनी चाहिए और एक ऐसे थोड़ी शलो होनी चाहिए। मैंने इस प्रकार की डिश का चुनाव किया है जिससे जब भी हम फ्लावर असेंबल करेंगे तभी फ्लावर की पेटल्स गिर नहीं जाएंगी, बहुत ही अच्छे से स्टैंड करेंगी। अभी जो बड़ी प्लेट है उसके अंदर मैं छोटी प्लेट को रख देती हूँ। मैंने ये जो हमने ग्लास की कटिंग किए थे बेस के वो मैंने ले लिया है। अब एक बेस के ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट लगा देती हूँ और उसके ऊपर दूसरा वाला रख देती हूँ। हमें थोड़ा थिक बेस चाहिए। हमने जो प्लेट ली है उसके सेंटर में हम थोड़ा सा चॉकलेट अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जो भी बेस तैयार किया है उसे रख देते हैं। इस प्रकार से जब भी फ्लावर बनाएंगे तभी वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और प्रॉपर शेप में रहेगा। जो बेस है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट लगा लिया है। मैंने जो बड़ा वाला पेटल है वो ले लिया है और उसका जो नीचे का हिस्सा है उसे मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर लिया है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही कीजिए। अब मैं इसे जो हमने बेस तैयार किया है उसके ऊपर रख देती हूँ।
मैंने सारे फ्लावर्स के पेटल्स को अरेंज कर लिया है और ये पाउडर कलर है, इसको मैं चॉकलेट के ऊपर कलर कर देती हूँ। ये स्पेशल चॉकलेट के लिए जो कलर आते हैं वो हैं, मैंने पर्पल कलर का जो पाउडर कलर आता है वो लिया है और उसे मैं ब्रश की सहायता से चॉकलेट का जो पेटल्स है उस पर लगा लेती हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर का इसको बना सकते हैं। इस प्रकार के पाउडर कलर बहुत ही आसानी से आपको कन्फेक्शनरी स्टोर में मिल जाएंगे। जो बड़ी पेटल्स है वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं बीच में चॉकलेट का ड्रॉप डाल देती हूँ और उसके ऊपर मैं छोटी पेटल्स अरेंज कर रही हूँ। बिल्कुल आगे की तरह जैसे हमने फ्लावर्स की पेटल्स अरेंज की थी वैसे ही हम अरेंज कर लेंगे। ये सिल्वर बॉल्स हैं, इसे मैं फ्लावर के सेंटर में डाल देती हूँ। अभी हमने जो पंखुड़ियों को अरेंज किया है उसे मैं कलर कर लेती हूँ। हमारे चॉकलेट में से बने हुए फ्लावर्स बनके तैयार हैं। दोस्तों आप जो शेप में बनाना चाहें वो शेप में आप इसे बना सकते हैं। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस प्रकार के फ्लावर्स को आप तैयार करके डब्बे में स्टोर करके करीबन 6 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेक्स। चॉकलेट फ्लेक्स के लिए कोई भी आप ऐसे चॉकलेट का बार ले लीजिए। हम ये पोटैटो चिप्स बनाते हैं, वो पोटैटो पीलर मैंने लिया हुआ है। अभी हम इसको ऐसे रखें, आप चॉकलेट को जहाँ पे ऐसे लंबा पार्ट है वहाँ से यूज कीजिए तो आपको बहुत बड़े बड़े शेविंग्स मिलेंगे। अभी आपने जब ये शेविंग्स रेडी कर लिए उसके बाद आपको फ्रीजर में इसको करीबन 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ना है, फिर आप इसको डब्बे में भर दीजिए। अभी मैं आपको ये जो मेलन स्कूपर होता है उससे मैं बताती हूँ। ये मेलन स्कूपर लेना है आपको और ये मैंने चॉकलेट का स्लैब लिया है, उसको हम ऐसे स्कूप करके आप इसको ऐसे हल्के से प्रेस करके ऐसे कर्ल्स निकालिए। आप ऐसे छोटे कर्ल्स और ऐसे बड़े बॉल से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऐसे बड़े बड़े रफली कर्ल्स निकले हैं और ये छोटे छोटे राउंड फ्लावर्स निकले हैं। हम बिल्कुल इसी तरह आप बना के रखिए, इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रखने के बाद करीबन 3 से 4 महीने तक बिल्कुल ऐसे अच्छे ही रहते हैं। ये गार्निशिंग्स चॉकलेट में डेजर्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इस प्रकार के टेक्सचर शीट्स, ऐसे बहुत सारे टेक्सचर शीट्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको जो भी अच्छे लगे वो डिज़ाइन आप ले सकते हैं। सबसे पहले इस पे हम ये लिक्विड चॉकलेट अप्लाई करेंगे। आप इस पे थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई कीजिए। आपको चाहिए आप उतने अमाउंट का लेके चॉकलेट को तैयार कीजिए। अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ सेट होने के लिए। अगर हम कोई भी बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे ऐसे बिस्किट इस तरह से पैकेट में मिलते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बीच में से काट लें। ये हमारा टेक्सचर रेडी हो चुका है काट के। अभी मैं इस पे थिक कोट अप्लाई कर रही हूँ चॉकलेट का। आपका चॉकलेट थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, गरम गरम चॉकलेट मत अप्लाई कीजिए। अब मैं इसको सेट होने के लिए साइड में रख रही हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरह मिठाई की कटोरियाँ होती हैं, इसमें भी ये टेक्सचर होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं पर हम ये सब चीज़ों में इतना पैसा वेस्ट करने की जगह पे आप अपने किचन में थोड़ी सी नज़र घुमाइए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपना पैसा भी बचा पाएंगे और अपनी केक्स के डेकोरेशन भी तैयार कर पाएंगे। अभी मैं इसके अंदर ये मेल्टेड चॉकलेट डाल रही हूँ और इसको ऐसे हल्के से मिक्स कर लेंगे। इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये स्क्वायर्स हैं ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है, लेकिन अगर आप घर में ही आपको डेकोरेशन करके यूज़ करना है तो काफ़ी पैसा आपका बच जाएगा अगर आपने ये सब सारी टेक्निक्स यूज़ की तो। मैंने ड्राई फ्रूट खरीदा था, उसके अंदर ये ड्राई फ्रूट आया था। आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये भी आप अपने गार्निशिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये टेक्सचर भी हमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था उसमें आया था। आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। जब ये आप ऐसे टच करें और देखिए ये चॉकलेट हाथ में नहीं लग रहा है, तभी मैं इसको जो भी शेप में आपको काटना है वो शेप आप इस पे डाल दीजिए। मैं इसको अभी ट्रायंगल में काट रही हूँ। अभी मैं इसको फ्रीजर में फ्रीज करूंगी करीबन 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अभी आप देख रहे हैं हमने ये टेक्सचर शीट बनाई है, सेट हो चुका है। अभी मैं इस पे ये कटआउट्स निकाल लेती हूँ। मेरे पास ऐसे कटर्स हैं, आप वो यूज कर सकते हैं आपके पास जो भी हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप प्लेन कोई भी चीज, स्क्वायर, राउंड, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे शेप्स निकाल सकते हैं। बाकी के मैं ऐसे ही प्लेन कटआउट्स निकाल रही हूँ। अभी मैं इसको सेट होने के लिए फ्रीजर में 2 मिनट के लिए रख रही हूँ। हमारे सारे कटआउट सेट हो गए हैं। अब इसको ऐसे आराम से ये निकल आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ों के ऊपर खर्चा किए बगैर ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते हैं। आप ऐसे नाइफ लेके उसको हल्का सा ऐसे फिनिशिंग दे दीजिए। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये।
मैं आपको लीव सिखा रही हूँ, इसके लिए मैंने ये जो झाड़ का पत्ता होता है वो लिया है, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी मैं इसके ऊपर ये मेल्टेड चॉकलेट लगा रही हूँ। आपको मेल्टेड चॉकलेट पीछे की साइड से लगाना है, जो पत्ते का पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे लगाना है, और थोड़ा थिक कोटिंग कीजिए। अभी मैं इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। मैंने एक कोट लगा लिया है, अभी मैं ये दूसरा कोट लगा रही हूँ। आप उसको ऐसे अच्छे से चॉकलेट अप्लाई कर लीजिए। कभी भी आप यूज करते हैं लीव्स के लिए तो 2 कोट लगाइए, नहीं तो लीव्स तुरंत टूट जाएंगे। अब मैं इसको सेट होने के लिए 1 मिनट के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ। हमारे 2 कोट हो चुके हैं और देख सकते हैं मैं इसको निकाल रही हूँ। ऐसे आराम से बहुत अच्छे से निकल आते हैं, कितने सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, ये करीबन 3-4 महीने बहुत अच्छे रहते हैं। दोस्तों ये डिस्पोजेबल ग्लास है, इसको मैंने कट कर लिया है। अभी इसके ये जो स्ट्रिप्स है हम इसको काट लेते हैं। ये बहुत ही इजी वर्जन में सिखा रही हूँ आज आप लोगों को सिगार बनाने के लिए। अभी हम इसको धीरे धीरे करके ऐसे रोल कर लेते हैं। आगे मैं आपको सब कुछ, मेरी गार्निशिंग्स के आगे वीडियो भी आएंगे जिसमें मैं एडवांस लेवल के सब सिखाने वाली हूँ। आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। हम इसको ऐसे गोल गोल करके हम ऐसे दोनों तरफ से सेलो टेप लगा लेते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप कभी भी कोई भी सिगार बना सकेगा इससे। ये मैंने एक छोटा फॉइल पेपर का टुकड़ा लिया है, उसको हम, ये जो सिगार है उसका एक पार्ट है उसको हम ऐसे रखेंगे और उसको नीचे से पैक कर देंगे, जिससे कि हम इसमें चॉकलेट भरें तो हमारा चॉकलेट बाहर ना निकले। मैंने ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सिगार्स रेडी करके रखे हुए हैं। मैंने मेल्टेड चॉकलेट को कोन में भर लिया है। अभी मैं इसमें जो सिगार हमने बनाई है उसमें ये चॉकलेट फिल कर देती हूँ। हल्के से ऐसे टैप कीजिए और फिर ये सिगार इसमें हम भर देंगे। ऐसे पूरा भरने के बाद में अभी मैं इसको फ्रीजर में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। हमारी सिगार्स अच्छे से सेट हो गई है, अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। हम सेलो टेप को काट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सिगार रेडी हो चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैं आपको दूसरा गार्निशिंग सिखा रही हूँ। इसके लिए हमने डार्क चॉकलेट ली है, इसको मेल्ट करके आप ऐसे डॉट्स लगा दीजिए। थोड़ा सा आपका चॉकलेट थिक होना चाहिए। अभी आप कोई भी स्पून ले लीजिए और उसको, अभी मैं इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ऐसे हम धीरे से निकालेंगे तो ये निकल आते हैं। ये हम केक में डिजाइंस यूज करते हैं कि साइड में लगाने के लिए, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। अभी मैं दूसरा एक टेक्निक इसी का है वो बता देती हूँ आपको। हम ऐसे एक बड़ा सा ड्रॉप लगा के, अभी आप एक स्पून से इसको ऐसे करके डिजाइन बना दीजिए। अभी मैं इस डिजाइन को फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। हमारे डिजाइन रेडी हो चुके हैं, आप ऐसे करेंगे तो ये बहुत इजीली निकल आते हैं।